स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन श्री 43 में। आज का हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल अन्नागार पर क्या है टिप्पणी करें। आइए देखते हैं। बताता, हड़प्पा सभ्यता के विशाल अन्नागार को इस सभ्यता की संगठित अर्थव्यवस्था और उन्नत नगर योजना का महत्वपूर्ण क्या है प्रमाण माना जाता है। यह अन्नागार मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थल पर पाया गया। इनके निर्माण में विशेष ध्यान दिया गया था जो उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। यह अन्नागार एक विशाल इमारत थी जिसमें अनाज के बड़े पैमाने पर संग्रहित करने की व्यवस्था की गई। इसके निर्माण में ईंटों का उपयोग किया गया और इसे इस तरह से बनाया गया था कि अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसके भीतर हवा के प्रवाह को रोकने और अनाज को सुरक्षित रखने की विशेष व्यवस्था भी थी ताकि नमी और क्या है खराब मौसम में भी अनाज क्या है सुरक्षित रहे। यह अन्नागार उन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा जहां से अनाज का क्या है वितरण किया जाता होगा। यह अन्नागार एक केंद्रीय भंडारण स्थल के रूप में क्या है कार्य करता था। विशाल अन्नागार की संरचना से यह भी संकेत मिलता है कि हड़प्पा के लोग खाद्यान्न भंडारण और प्रबंधन में कुशल थे और उनके पास भंडारण के लिए उन्नत तकनीकें थी। इस तरह के अन्नागार उस समय के समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना, श्रमिक वर्ग की उपस्थिति और शासन की प्रशासनिक क्षमता को क्या है दर्शाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।